नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ये बहुत ही प्यारा सा बैग बनाने का आसान सा तरीका। यहाँ पे दोस्तों हमने ये जिप लगाई हुई है सेंटर में और पाइपिंग के साथ में लगाई हुई है, जो पाइपिंग पट्टी होती है, और दोनों साइड में हमारे यहाँ पे ये हैंडल होंगे इस तरीके से। और मेन चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हमने बचे हुए जो फैब्रिक होता है, जो सूटों के कपड़े होते हैं, उसकी साइड में से पट्टी बच जाती है, वही हमने यहाँ पे यूज किया है। और वर्क वाला पीस अगर आपके पास भी कोई बचता है इस तरीके का, तो आप इस तरीके से बहुत ही सुंदर सा यहाँ पे बैग का डिजाइन बना सकते हो, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। नीचे की साइड भी हमने यहाँ पे बेस बनाया हुआ है, ये आप देख रहे होंगे, पूरा बेस होगा और बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे ये डिजाइन हमने बना करके आपको दिखाया है। तो दोस्तों आइए सीखते हैं इसकी कटिंग कैसे की जाती है और कैसे इसकी स्टिचिंग की जाती है। दोस्तों जो आपने डिजाइन देखा है बैग का, उसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें मटेरियल देखना होता है, हमने क्या क्या लिया है। दो पीस लिए हैं हमने मेन फैब्रिक के, यहाँ पे ये मेन फैब्रिक आप ऊपर की साइड देख रहे होंगे। इनकी जो लेंथ है हमारी, यहाँ पे इस तरीके से देखेंगे, चौड़ाई हमारी यहाँ पे है 19 इंच की, और इस तरीके से हम देखेंगे लेंथ जो होगी हमारी यहाँ पे 14.5 की है। एक पीस हमारा ये होगा और एक दूसरी साइड के लिए ये होगा। दो हमने हैंडल लिया हुए हैं दोनों साइड के लिए, ये भी हमने कपड़े के बनाए हुए हैं। जो इनकी लेंथ है हमारी, ये होगी हमारी 27 इंच की। दो हैंडल होंगे यहाँ पे हमारे इस तरीके से। एक हमने जिप ली हुई है लेंथ के अनुसार, जितनी लेंथ होती है उस हिसाब से हमने यहाँ पे जिप ले लेनी है। और दो लिए हैं हमने रनर। इसके बाद ये तो हमारा ऊपर का मटेरियल हो जाता है। जो हमें अंदर की साइड लगाना है, जैसे एक हमने ये फोम की सीट ली हुई है, दो सीट होंगी क्योंकि दो मेन फैब्रिक हैं, दो हमने यहाँ पे सीट ली हुई है, और दो पीस लिए हुए हैं हमने नीचे अस्तर के। तो अब हम क्या करेंगे, बीच में रखेंगे फोम और ऊपर की साइड रखेंगे मेन फैब्रिक, नीचे रहेगा अस्तर, और इसमें चारों साइड सिलाई लगाते हुए बीच बीच में सिलाई लगा लेंगे और इसको कुल्टिंग कर लेंगे। तो कुल्टिंग करने के बाद फिर मैं आपको इसकी कटिंग बताऊंगा कैसे करते हैं और कैसे कैसे इसको स्टिच करते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने दोनों पीस यहाँ पे इस तरीके से सीधी सीधी सिलाई लगाते हुए कुल्टिंग कर लिए हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। अब हमें इनका साइज फिर से परफेक्ट रखना है, मतलब जो भी साइज आपने रखना चाहते हो, जैसे यहाँ पे 19 है तो ये भी हमारा 19 रहना चाहिए, और जितनी इसकी इस तरीके से लेंथ है, जैसे यहाँ पे 14 आ रही है तो ये भी हमारा 14 का ही आना चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है। तो दोनों पीस हमने यहाँ पे कर लिए हैं ये रेडी कुल्टिंग करते हुए। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, एक पट्टी लेनी है इस तरीके से, एक इस पार्ट के लिए और एक इस पार्ट के लिए। इस पट्टी की जो हमने चौड़ाई रखनी है यहाँ पे, ये है फिलहाल 2 इंच की। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे की साइड ऐसे रखेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे इसमें भी और इसमें भी, यहाँ पे ऐसे रखते हुए सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए, हमने सिलाई से ये पट्टी अटैच कर ली है। अब हम इसको यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करते हुए तैयार कर देंगे, ऐसे यहाँ पे फोल्ड करते हुए ऐसे ऊपर से सिलाई लगाएंगे, तो ये हमारी पाइपिंग पट्टी यहाँ पे रेडी हो जाएगी, जो कि जिप के पॉइंट पे आएगी। जो जिप लगेगी हमारी, इसके नीचे कुछ इस तरीके से लगेगी ऐसे। तो यहाँ पे हमने इसमें सिलाई लगा के इसको रेडी कर देना है, और फिर यहाँ पे लगा लेनी है जिप। जिप का लगाने का तरीका यही होता है, नीचे से रखेंगे यहाँ पे इस तरीके से, हम इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से अटैच कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे सेंटर पॉइंट में ये जिप लगा ली है, और पट्टी ऊपर से जैसे मैंने बताई थी वो पट्टी भी लगा दी है। नीचे का पोर्शन हमारा जिप का कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको नजर आएगा, जैसे आप देख रहे हो, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में प्लेन। अब हमें यहाँ पे लगाने हैं हैंडल। तो यहाँ पे हम इस तरीके से सेंटर पॉइंट बनाएंगे, तो ये हमारा जैसे 19 है तो ये हमारा 9.5 होगा ऐसे। इससे हम दोनों साइड में कितना यहाँ पे 2.5 इंच इस साइड लेंगे और 2.5 इंच इस साइड लेंगे, और यहाँ पे सीधी लाइन लगा लेंगे इस तरीके से, इस साइड भी और इस साइड से, यहां से इस पॉइंट से लेंगे 3 इंच और यहां से भी 3 इंच,
और नीचे जो हमारा हैंडल जो ज्वाइंट होगा ये भी हमारा यहाँ पे 3 इंच तक हम रखेंगे ऐसे। तो इस हैंडल को हम यहाँ पे इस तरीके से ज्वाइंट करेंगे, यहाँ से हम जोड़ना शुरू करेंगे और यहाँ तक जोड़ेंगे, आगे तक नहीं जोड़ना है। इसी प्रकार इस साइड यहाँ से इस निशान तक जोड़ेंगे। और नीचे की साइड के लिए हमने यहाँ पे एक पट्टी ली हुई है, ये हमें यहाँ पे ऐसे अटैच करनी है क्योंकि हमने कलर कॉम्बिनेशन भी बनाना है। ये हमारे पास है बचा हुआ कपड़ा था जो सूटों में से बच जाता है, वही हमने यूज किया है और बहुत ही सुंदर सा बैग बना करके आपको दिखाना है। तो यहाँ पे हमने 3.5 इंच चौड़ाई वाली ये पट्टी ली है, ये हम नीचे की साइड अटैच करेंगे और ये हैंडल यहाँ पे लगा लेंगे। तो यहां से इस निशान के हमें बाहर की साइड ऐसे रखना है ये, और यहां से हम स्टार्ट करेंगे सिलाई। नीचे की साइड यहां पे फोल्ड कर देंगे फिनिशिंग के साथ में। ये हमने एक साइड यहाँ पे हैंडल लगा लिया है, दूसरी साइड की पट्टी भी सेम ऐसे ही यहाँ पे हम ऐसे ही रखते हुए ऐसे फोल्ड करेंगे नीचे से और यहाँ पे ऐसे ही रखते हुए अटैच करेंगे। देखिए हमने यहाँ पे ये हैंडल कर लिया है अटैच। अब जो नीचे की पट्टी हमने यहाँ पे लगानी है, यहाँ पे ऐसे रखेंगे इस पट्टी को और सबसे पहले नीचे ज्वाइंट करेंगे। साइड से यहाँ पे फोल्ड कर देंगे ऐसे, 1/2 इंच का फोल्ड लगाएंगे। और यहाँ पे ऐसे फोल्ड करते हुए इसको रेडी करेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे पट्टी भी लगा ली है और हैंडल भी एक साइड में लगा लिया है। तो सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे हैंडल भी लगाएंगे, ये है हमारे पास हैंडल, और सेम इसी तरीके से नीचे की साइड पट्टी भी लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों हमने इस साइड में भी पट्टी लगा ली है और हैंडल लगा लिया है, और इस साइड में भी पट्टी भी लगा लिया है और हैंडल भी हमने अटैच कर दिया है। अब हमें यहाँ पे इनको आपस में ऐसे जोड़ना है और जो ये पट्टी होती है ये आपस में मैच करते हुए यहाँ पे लगा देंगे हम सिलाई ऐसे। जिप का सेंटर होना चाहिए ये ध्यान रखना है। इसी तरीके से हम इस साइड में भी बिल्कुल बराबर रखते हुए यहाँ पे कहीं फर्क ना आए। अगर जैसे हल्का फुल्का आपको यहाँ पे जैसे फर्क लगता है तो इसको आप सीधा कर लें, और यहाँ पे भी हमने
मिलाते हुए ये सिलाई लगा देनी है। अब हम नीचे की साइड भी यहां पे सिलाई लगाएंगे। तो यहां से हमने इस तरीके से सिलाई ये कंप्लीट कर ली है। अब हमें यहां पे कटिंग करनी है, तो हम यहाँ पे सिलाई लगा के फिर कटिंग करेंगे। आप पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। तो मैं यहाँ पे पहले निशान लगा लेता हूँ कैसे हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। देखिए, इस सिलाई से इस साइड में हम 2.5 इंच लेंगे और इस साइड में भी 2.5 इंच लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे ऐसे। और इसी बॉक्स के ऊपर हम यहां पर कटिंग कर देंगे। तो यहां से हमारा ये इस तरीके का एक कट डल जाएगा। ऐसा ही कट हम सेम यहां पे डालेंगे। तो ये देखिए, हमने इस साइड में भी कट लगा लिया है। अब ऊपर की साइड भी तरीका हमारा सेम रहेगा, इस सिलाई से 2.5 इंच ऐसे और जिप के सेंटर पॉइंट से 2.5 इंच ऐसे। ऐसे ही हम यहां पे कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, हमने चारों साइड की यहां पे कटिंग कर ली है। अब हमारे जो ये कच्चे लब हैं 3, 1, 2 और 3, इनमें हम यहां पे पट्टी लगा देंगे। तो एक पट्टी हमने यहां के लिए ली है, एक पट्टी हमने यहाँ के लिए और तीसरी पट्टी हमने इस साइड के लिए। तरीका वही होता है सेम, नीचे की साइड ऐसे रखेंगे और फिर इसको पलटते हुए यहाँ पे ऐसे कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे मैं तीनों साइड में पट्टी लगा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे इस तरीके से ये तीनों पट्टी अपनी कंप्लीट कर ली है। अब हमारा काम ये रह जाता है, यहाँ पे हम इस कोने को ऐसे पकड़ते हैं इस तरीके से और जो सेंटर पॉइंट होगा सेंटर में ही हम यहाँ पे स्टिच करेंगे। सेंटर मिलाते हुए इस तरीके से मिलाएंगे और ये सेंटर मिलाएंगे नीचे वाला और यहाँ पे वही 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए इनको जोड़ेंगे। तो ये देखिए, हमने एक साइड यहाँ पे जोड़ ली है। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे ये वाली साइड जोड़ेंगे। सेंटर का ध्यान रखें, ऊपर नीचे का मिलाते हुए 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए ऐसे यहाँ पे जोड़ेंगे। मैंने यहाँ पे ये जोड़ लिए हैं। अब हमें ऊपर की साइड भी तरीका सेम होता है, यहाँ पे भी इनको ऐसे ही जोड़ना है। ये जो जिप का सेंटर होता है और ये वाला सेंटर हम यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे और तरीका सेम होगा यहाँ पे भी ऐसे ही ज्वाइंट करने का। ऐसे ही हम ये वाला कॉर्नर जोड़ लेंगे। तो
तो ये देखिए दोस्तों, हमने चारों कॉर्नर यहाँ पे इस तरीके से ज्वाइंट कर लिए हैं, और ज्वाइंट करने के बाद यहाँ पे धागे ना निकले इसलिए हमने यहाँ पे ये पट्टी भी लगा दी है। जैसे हमने यहाँ पे ये वाली पट्टी लगाई थी, ऐसे ही हमने यहाँ पे चारों कॉर्नरों पे इस तरीके से फिनिशिंग के साथ में ये पट्टी लगा दी है। अब हम जो जिप वाला पॉइंट होता है यहाँ से करेंगे ओपन। ओपन करने के बाद इस बैग को कर लेंगे सीधा। तो ये देखिए, हमने सीधा करने के बाद दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा इसमें सामान रख लिया है, और बैग की शेप आप देख ही रहे होंगे कितनी प्यारी सी बन जाती है। इसका बेस बनता है नीचे की साइड, हमने यहाँ पे पट्टी इसीलिए लगाई है ताकि ये थोड़ा हैवी रहे और पूरा हमारा बेस बन जाए, और तभी हमने यहाँ पे 2.5 इंच का कट डाला है ताकि ये 5 इंच का हमारी बैठक बन जाए नीचे के लिए, और ऊपर की साइड भी ऐसे ही रहेगा। पूरा का पूरा हमारा यहाँ पे ये बैग इस तरीके से ये रेडी हो जाएगा, जैसे आप देख रहे हो बहुत ही प्यारी सी शेप है यहाँ पे। इस तरीके से आप बचे हुए कपड़े से, मैंने तो यहाँ पे ये सूट का कपड़ा यूज किया है जो बचा हुआ होता है, आप कोई भी पुराना कपड़ा या बचा हुआ कपड़ा यूज कर सकते हो, और इस तरीके का बैग यहाँ पे रेडी कर सकते हो जो कि मैंने आज आपको यहाँ पे बताया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।